इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर इनसाइट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कस्टमर और कंज्यूमर इनसाइट क्या है और कस्टमर जर्नी क्या है। इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कस्टमर इनसाइट और कंज्यूमर इनसाइट। तो कॉन्सेप्ट से पहले हम इसकी डेफिनेशन को जल्दी से रीड करते हैं। एन ऑब्जर्वेशन ऑन द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ योर टारगेट कस्टमर दैट मार्केटर कैन यूज टू मेक अ मोर कंपेलिंग मैसेज विच एम टू इंक्रीज इफेक्टिव ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फॉर द कंज्यूमर एज वेल एज इंक्रीज सेल्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। कस्टमर और कंज्यूमर इनसाइड में ये होता है कि हम जो है ना, एक कंपनी जो होती है कस्टमर के पैटर्न्स को, कस्टमर के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करती है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, जो कंपनी के मार्केटर, एक्सपर्ट मार्केटर होते हैं, जो कंपनी के आगे जो एम्प्लॉय होते हैं जिनका काम होता है कि मार्केट के डाटा को गेन करना, वो इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उनकी बाइंग पावर कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके रहन सहन, उनके रहने के जो तरीके हैं वो कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उनकी इनकम सैलरी कैसी है, वो किस क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, वो उनकी डिमांड कितनी है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, उनके बिहेवियर, उनके पैटर्न्स, उनकी उनकी नीड्स, उनकी वांट्स, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी सेलिंग, उनका रवैया, उनके एटीट्यूड, उनकी बाइंग पावर, तो ये चीज़ें जो होती हैं इसके बारे में एक्सपर्ट जो होते हैं मार्केटर के, वो डाटा को गेन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, इंफॉर्मेशन को गेन कर, नीड्स को देख कर मार्केट की पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है उसमें प्रोडक्ट की नीड्स को, लोगों की नीड्स वांट्स को अंडरस्टैंड कर, कुछ समझ कर, फिर उसके बारे में एक अच्छा सा कंपेलिंग मैसेज क्रिएट करते हैं, एक अच्छा सा मैसेज क्रिएट करते हैं, उससे रिलेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट कर, उनकी जो नीड्स, उनकी वांट्स, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं उनको देख कर, मद्देनज़र रख कर, उनके मुताबिक अपना जो एक अच्छा सा एडवर्टाइजिंग, एक अच्छा सा उनके मुताबिक एक मैसेज क्रिएट करते हैं। इनका मकसद जो बेसिक होता है ना, एम जो होता है इनका, अपनी प्रोडक्ट की जो, अपनी सर्विसेज जो उनके बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना इफेक्टिवली, और कंज्यूमर उसको इस्तेमाल करें जिससे उनका बेनिफिट हो, उनको प्रॉफिट अर्न किया जाए और उनकी सेल्स बढ़े और उनका ब्रांड का नेम बने। तो ब्रांड का नेम बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, सर्विसेज को लोगों में देने के लिए, अच्छे से उसको मतलब लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कस्टमर की नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी बाइंग पावर क्या है, उसकी इनकम क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए, उसकी डिमांड कितनी है, मार्केट में डिमांड कितनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें तो आगाही होनी चाहिए। तो कस्टमर इनसाइट में हम इसमें सबसे पहले डाटा को ऑब्जर्व करते हैं जो मार्केट एक्सपर्ट होते हैं, और उसके फिर बाद में एक अच्छा सा मैसेज क्रिएट करते हैं, और इनके जो इनका बेसिक पर्पज़ होता है अच्छे से अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना, अपनी सेल्स को बढ़ाना और प्रॉफिट अर्न करना, और अपने लिए एक अच्छा सा अपने बिजनेस को अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट करना, अपना बिजनेस का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना। तो आगे है कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी से पहले हम इसकी डेफिनेशन को जल्दी से रीड करते हैं। इज द कंप्लीट सम ऑफ एक्सपीरियंस दैट कस्टमर गो थ्रू व्हेन इंटरेक्टिंग विद योर कंपनी एंड अ ब्रांड। जो कस्टमर का कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है ना, कस्टमर जर्नी नाम से ही पता चल रहा है कि कस्टमर का सफर किसके साथ, आपकी कंपनी के साथ, आपके ब्रांड के साथ, जो आपके एक कस्टमर का सफर है, मतलब जो जब से वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद रहा है और जब से आपके मतलब ब्रांड के साथ इंटरेक्ट है, लॉयल है, जब से आपकी प्रोडक्ट को वो पोटेंशियल कस्टमर से आपका मतलब एक कस्टमर बना है, एक लॉयल कस्टमर बन गया है, तो ये जो सारा सफ़र होता है ना उसका, उसको मतलब जितनी देर का वो आप उसके उसका आपके साथ एक्सपीरियंस है, जितनी देर से वो आपकी प्रोडक्ट खरीद रहा है, जैसे एक कंपनी है ना जो एक दूसरी कंपनी की कस्टमर है, मतलब उसकी वो एक कंपनी जो है ना, या एक बिजनेसमैन जो है, एक पर्सन है, वो दूसरे बिजनेस से जाकर राम डीलर खरीदता है, तो उसका ये कस्टमर है, तो वो उसमें ये आ जाएगा कि वो सबसे पहले इंटरेक्ट कैसे हुआ, उस सप्लायर के पास गया कैसे,
पहले वो था पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर होता है जो मुमकिन, मतलब एक उम्मीद हो सकती है कि ये हमारा कस्टमर बन सकता है। तो सबसे पहले वो जो बिजनेस था उसको नहीं थी कि ये हमारा बनेगा, तो कस्टमर बन गया। उसके बाद फिर पहले उससे इंटरेक्ट हुआ, इंटरेक्ट होने के बाद उसके साथ अच्छा रिलेशन हुआ, उधार चला, उसके उधार दिया, उसने लिया, टाइम पे उसको दिया, तो उसने प्रोडक्ट अच्छी दी, उसने प्रोडक्ट ली, टाइम पर डिलीवर की। तो ये सारा जो आ जाता है ना, जो एक कस्टमर का एक बिजनेस के साथ, एक ब्रांड के साथ रिलेशन होता है, जो पूरा सफ़र होता है और जो उसका एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट के बारे में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसको हम कहते हैं कस्टमर जर्नी। आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।